लोकायुक्त रीवा की बड़ी ट्रैप कार्रवाई, प्रिंसिपल 50,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। रीवा लोकायुक्त पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। 50,000 की रिश्वत लेते आईटीआई कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि शिकायतकर्ता बालेंद्र कुमार शुक्ला, पिता राम गोपाल शुक्ला, पद सहायक ग्रेड 3, परचेज क्लर्क आईटीआई कॉलेज जिला रीवा में शिकायत की थी कि प्रभारी प्राचार्य बिल पास करने के बदले 50,000 की रिश्वत मांग रहे हैं, जिसके बाद लोकायुक्त पुलिस ने जाल बिछाया और आरोपी करण सिंह राजपूत प्रभारी प्राचार्य शासकीय संभागीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जिला रीवा को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते धर दबोचा। उक्त कार्रवाई आईटीआई कॉलेज रीवा स्थित प्राचार्य कार्यालय कक्ष में की गई है। दरअसल शिकायतकर्ता बालेंद्र कुमार शुक्ला, जो कि आईटीआई कॉलेज रीवा का परचेज क्लर्क है, से आरोपी प्रभारी प्राचार्य करण सिंह राजपूत द्वारा सामग्री खरीदी के बिलों के भुगतान के एवज में कमीशन राशि 50,000 रुपए मांगी गई थी। इस बात की शिकायत लोकायुक्त संभाग रीवा के पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह धाकड़ से की गई थी। उन्होंने इस शिकायत का सत्यापन कराया तो ये बात सत्यापित हुई कि वास्तविकता में प्रभारी प्राचार्य आईटीआई द्वारा 50,000 की रिश्वत मांगी जा रही है, जिस पर से आज ट्रैप कार्रवाई आयोजित की गई थी। आज दिनांक 18 अगस्त 2023 को प्रभारी प्राचार्य करण सिंह राजपूत द्वारा शिकायतकर्ता से 50,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। उक्त कार्रवाई प्रवीण कुमार निरीक्षक के नेतृत्व में प्रवीण सिंह परिहार, उप पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार निरीक्षक सहित 12 सदस्यीय टीम शामिल रही। ये दिनांक 17/8/2023 को शिकायतकर्ता श्री बालेंद्र कुमार शुक्ला, जो कि आईटीआई कॉलेज रीवा के परचेज के लड़के, इन्होंने पुलिस अधीक्षक महोदय रीवा श्री धाकड़ साहब को शिकायत की थी कि हमारे प्रभारी प्रिंसिपल साहब मुझसे सामग्री क्रय के काम में सप्लायरों से कमीशन दिलाने के लिए दबाव बना रहे हैं और मुझे कई प्रकार से परेशान कर रहे हैं। इस बात की का सत्यापन पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कराया गया, जिसमें यह सत्यापित हुआ कि प्रभारी प्रिंसिपल द्वारा वास्तविकता में 50,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई है। तब आज 18/8/2023 को ट्रेप कार्रवाई आयोजित की गई थी। प्रभारी प्रिंसिपल श्री करण सिंह राजपूत को शिकायतकर्ता बालेंद्र कुमार शुक्ला से 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रेप किया गया। इनके थ्रू परचेसिंग, जिससे परचेस किए जाते हैं सप्लायरों से, उनसे दिलाने के लिए बोला गया था, उनसे पैसे दिलवाओ, कमीशन दिलवाओ। तो इनका ये कहना था कि वो मैं उनसे लेता नहीं हूँ तो मैं कैसे दिलवाऊँ। इनका कहना नहीं, वो तो हर जगह चलता है, कमीशन लेते ही हैं, तुम क्यों नहीं लेते हो, मुझे तो पैसा चाहिए, आप लो या मत। तय कितने में हुआ था सर, मुआवजा कितना था? पहले 58,500 रुपये मांगे गए थे। जब इनके द्वारा बहुत ज़्यादा निवेदन रचन किया गया तो फिर 50,000 रुपये देने के लिए बात तय। क्या शिकायत थी आपकी, किस तरह की? क्या ये थी कि इन्होंने खरीदी के सामान पे रिश्वत मांगा था। क्या मामला क्या था, पूरा बताइए। मामला ये है कि जो सामान परचेजिंग होती है प्रशिक्षण कार्य के लिए, इन्होंने खरीदे गए सामान पे रिश्वत की मांग की है। और रिश्वत हम लेते नहीं हैं, तो हमने बोला सर यहाँ ऐसा नहीं है, हम ले पाएंगे, ये 30% मांग रहे हैं। हमने बोला सर 30% ये क्या होता है, तो बोले कि नहीं हमको 30% खरीदी पे चाहिए। हमारे सर नहीं मिल पाता है और ना ही हम आते हैं किसी से, लेकिन ये दबाव बना रहे थे लगातार कि आप हमें कमीशन दो। फिर 2 महीने से परेशान कर रहे हैं, 1 महीने बाद ये हमसे बोलते हैं ठीक है 30% नहीं आता, ये और कहीं जो सोचे हो, तो इन्होंने कि 15% मांग लिया। हमारे द्वारा बार बार मना किया जा रहा था, अभी भी मैं इनको मना ही कर रहा था कि सर नहीं आता हम नहीं देंगे, लेकिन ये दबाव बना रहे थे, इसके साथ धमकी देने रहे कि आप अकाउंट ए सी आर लिखेंगे, ऐसा है वैसा है, कुछ हो जाएगा तो सोच लीजिएगा, हम आपका सेक्शन बदल देंगे, धमकी ऐसे देने लगे, डराने लगे कार्य के लिए, प्रशासन कार्य के लिए। मजबूरी में मेरे को जो है तो रुपये ही करना पड़ा। कितना पैसे की मांग किए थे इन्होंने? पहले तो परसेंट मांगा 30, इसके बाद फिर 15% मांगा, अब कहने लगे कि जब बिल निकले हमने मना किया, तो फिर कहने लगे 5,500 रुपये हमको लगे, हम बोले अगर नहीं है हमारे पास
फिर बहुत देर बात करने पर बात करके जब हमारी बहस होगी उसके बाद ये बोलते चलो ठीक है 50,000 लाख की हमको दे दो और बात करना। कितने लाख तक खरीदी? खरीदी जो है तो लगभग करीबन 13 लाख की मिली हुई थे और कुछ अभी बिल 4 लाख की पेंडिंग है जिसमें दस्तखत नहीं थे। बोले थे कि हमको जब तक पैसा नहीं दोगे तो हमारी दस्तखत नहीं होगी और इन्होंने हमको मना किया था कि जब तक बिलों कमीशन का पैसा ना मिले तब तक आप हमारे सामने मत लाना। हमने भी रखा है बिल, हमने कई बार इनको बोला लेकिन स्वीकार कर देते हैं। 30 लाख रुपये 30% माफ है 4 लाख नहीं, ये कुल खरीदी का जितना भी सब बिल निकल रहा है उसका 30% है। अच्छा, 30% सामान है जो सामग्री वेंडर आपको प्रॉब्लम है जो सप्लाई आती है जैसे लोहा है जो भी प्रशिक्षण रहता है ट्रेडों के अनुसार स्टेशनरी है और आपके जितने भी सामान है इलेक्ट्रिकल आइटम है उन सभी में जो खरीदी होती है उसके लिए कमीशन। कहाँ पदस्थ है? कहाँ संभागीय आईटीआई रीवा। क्या नाम है इनका जो पकड़े गए? श्री करण सिंह राजपूत। आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्री बालन कुमार। आप क्या करते हैं वहाँ? मैं वहाँ क्लर्क हूँ। ठीक, पर्चे डील करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।